वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदेद। बात हो रही है आज एक बहुत ही अवामी टॉपिक पे, वो है स्किन कॉम्प्लेक्शन। हम अपने चेहरे की रंगत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, चेहरे को कैसे फ्रेश कर सकते हैं। इस हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बतूल अशरफ साहिबा। आप लोगों के सवाल हैं, खसूसा रिजवाना साहिबा का भी एक सवाल मौजूद है, नाहिद साहिबा का भी। लेकिन हमारे साथ रावलपिंडी से हैं फराज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फराज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, मेरा ये मसला है कि मुझे 2 साल पहले ना धूप में रहने की वजह से थोड़ा एक्नी पिगमेंटेशन का मसला हो गया था, क्योंकि मैं उससे पहले कभी धूप में रही नहीं थी। तो फिर मुझे पता चल गया कि मेरी स्किन सेंसिटिव है। तो अब 2 साल पहले, यानी कि लास्ट ईयर भी मैंने अपनी काफ़ी केयर की, और अब भी क्योंकि सीज़न आ रहा है, इस्लामाबाद में भी काफ़ी गर्मी होती है, तो मैं डॉक्टर के पास पहले ही चली गई थी पेम्स में। और इतना वो मेरा ख़राब तो नहीं है, लेकिन मैंने उनके लिए मतलब प्रिवेंशन के लिए एक उन्हें उन्हें उनसे मैंने बोला कि आप मुझे एक ट्रीटमेंट दे दें ताकि मेरी जो है ना ऑल ओवर स्किन जो है वो ठीक रहे पूरा सीज़न, कमिंग सीज़न में। अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब तो वैसे मैंने धूप में भी नहीं जाना करना, क्योंकि मैं 2 साल का कुछ कोर्स कर रही थी वो कंप्लीट हो गया है, तो अब मैंने आपका धूप में तकरीबन घर एक्सपोजर पे ही होता रहना था? है। हाँ जी जी, जी लेकिन क्योंकि मैं अपनी मेरा कलर जो है वो सांवला मतलब कलर है, तो मैं इसको चाहती हूँ कि मतलब बहुत गोरा तो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ दानों का प्रॉब्लम रहता ही है छोटे ठीक है मोटे। तो ठीक उन्होंने है। मुझे एक फॉर्मूला लिख के दिया था, और उसमें इन्होंने कहा कि ये सैलिसिलिक एसिड 20% ठीक है 15 ml में आप बनवा के लाएं, तो आपका वो मैं एक दफ़ा 2-3 सेशन होंगी फिर आपकी क्लियर स्किन हो जाएगी। ठीक मैं ये है पूछना चाह रही थी कि ये क्या केमिकल पीलिंग जिसे कहते हैं, ये ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। केमिकल पील है, कॉलन करवा दूं? बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी अगर फराज ये एक साहबा, दफ़ा करवा लें तो क्या इसके बाद मतलब मैं मुझे करवाना चाहिए या नहीं करवाना ठीक है चाहिए? मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने उनसे फिर टाइम ले लिया कि मैं सोचूँ बता उनके दीजिए, इनसे। फॉर्म बता दें बिल्कुल आप करवा सकती हैं फराज साहबा। फरा, आप बिल्कुल करवा सकती हैं, ठीक है, और इट्स सेफ़ फॉर यू, क्योंकि आप वहाँ की डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं तो वो डेफिनेटली उन्होंने बेटर आपको एडवाइस दी होगी। आप बिल्कुल करवा सकती हो। अगर इससे लेस पे जाना चाहते हो आप, तो आप फ्रूट पील करवा लो, जिससे नुकसान भी नहीं होगा और आपको, लेकिन सैलिसिलिक एसिड आपके लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि आपको एक्नी की शिकायत है, तो उससे आपकी एक्नी भी रिकवर हो जाएगी। ठीक है फराज साहबा, हाँ जी ठीक है, ओके थैंक जी, यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और हमारी बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत रेगुलर व्यूअर, बहुत रेगुलर कॉलर ताहरा साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहरा साहबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्लाह का हैं? शुक्र, आप ठीक हैं, खुश हैं, बस आप लग तो रहे हैं बताओ। आप बहुत खुश हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हर वक्त है खुश ना। रहता हूँ। अच्छा, आज का टॉपिक है बड़ा अच्छा, चेहरे की रंगत जी। है ना। तो चेहरे की रंगत से क्या मतलब, अब जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे बच्चे वैसे होंगे, अब हम ये समझते हैं हमारे पेरेंट्स जो है उनकी रंगत बिल्कुल गंदमी हो, हम चाहे बिल्कुल फेयर हो जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि मैं डॉक्टर साहब से जो बैठी हूँ उनसे पूछना ये चाह रही हूँ कि जैसे लोग आजकल बिटॉक्स करवाते हैं, और आई डोंट नो ईयर, अभी कुछ हमारे फ्रेंड्स है वो ईयर्स में भी कहते हैं आजकल हो रहा है, और फेस में भी, और फिर क्या इज दिस सेफ कि ये इसको करने के बाद क्या मतलब खुदा खासा कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं? या देखिए एंटी एजिंग इज समथिंग, ये तो आनी है, ये आप जितना इसको अवॉइड करेंगे वो मतलब उसको तो आनी है। कुछ लोगों को जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों को देर से होते हैं, कुछ लोग, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये सब चीज़ें आपकी मतलब इनर सेटिस्फेक्शन से भी होता है, आप जितना खुश रहते हैं या दूसरों को खुश रखते हैं, आपके चेहरे पे जो है ना एक तो बाज लोग ये कि सुकून होता है, इत्मीनान सुकून, होता है। हाँ, अब बाज लोग जो है इतने मतलब जेलस खाते हैं, इतने मतलब लोगों को परेशान करना, खुश होते हैं तो कुछ भी लोग होते आप हैं ना ये, वो जल कुकड़। हाँ जल कुकर, अगर आप देखें जल कुकर हो, खुद खुद भी खुश ना रहे, दूसरों भी खुश ना रहे, तो चेहरे की रंगत कैसे होगी? बिल्कुल, आप आपने बहुत क्या सही बात खुश कही। रखें, आप अल्लाह को बहुत सही याद करें, आप देखें आप चेहरे वैसे ही, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। बट मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ, जो मैं बात कह रही हूँ सही हूँ या? बिल्कुल सही कह बिल्कुल रही हैं सही आप, हैं बिल्कुल आप, सही कह रही जबरदस्त हैं, बात की है। ये रिजवाना साहिबा का भी सवाल था बिल्कुल। स्ट्रेस, थैंक यू डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया तारा डॉक्टर साहिबा। ये जो स्ट्रेस है, एक तो पहली बात मैं स्ट्रेस पे लेके आता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस का और जेलेसी का अलग बिल्कुल एक बिल्कुल फैक्टर है। बिल्कुल स्ट्रेस में हम सब हैं, पूरी कौम है, अमूमन हर वक्त ही लोग रहते हैं। बिल्कुल क्या स्ट्रेस से स्किन की हेल्थ का कोई ताल्लुक है? बिल्कुल। जो मेलेनिन है वो एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, उसके अंडर कंट्रोल होता है। जब स्ट्रेस पे जाते हैं हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, एंजाइम की क्वांटिटी ज़्यादा निकलना शुरू होती है, जितनी ज़्यादा होगी उतना मेलेनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतनी आपकी टैनिंग होती है। तो स्ट्रेस इज़ रिलेटेड टू दिस, बिल्कुल आप टैनिंग की तरफ जाते हैं।
फिर बाकी सारी जो खुश लोग रहते खुश होते हैं बिल्कुल हैप्पीनेस, तो फिर इंटरनली जो आपकी रिफ्लेक्शन है उससे जो है आपकी सारी चीज़ें वो हो रही है ना, आप हैप्पी हैं, आपके सेल्स अंडर कंट्रोल हैं, सारी चीज़ें, उतना ही जो है आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, गोरी हो ना हो ग्लो ज़रूर होता है, वो जो एक वो कह रही हैं बिल्कुल सही बात कह रही हैं, चेहरे पे सुकून होता है, सारी चीज़ें एक इत्मीनानियत जो होती है ना, और आप खुश रहकर देखें और दूसरों को खुश रखकर देखें, बहुत चेहरे पे इत्मीनानियत और जो ग्लो होता है ना, कहते हैं आपकी स्किन ग्लो कर रही है, वो वाकई ना किसी पीलिंग की जरूरत है, ना किसी फ्रूट की जरूरत है, ना किसी और क्रीम की जरूरत है। जो जलने वाले लोग होते हैं, जो अमूमन दूसरों को देख देख के जल रहे होते हैं, वो कहते हैं ना अमूमन की देख जल जल के जो है ना सड़ गए, ठीक है, क्या ये वाकई इससे चेहरे की स्किन पे जो है ना पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा, इसलिए कि जब आप दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं या दूसरों के मुकाबले में, तो हसद हो गया ना, जेलेसी। अब अल्लाह ताला ने भी मना फरमाया है सारी चीज़ें, किसी सोच समझ के ही मना किया होगा, तभी उसमें कहे कि आप ऐसे सारी मामलात में ना पड़े। तो जो हसद है वो सारी इंटरनल बॉडी पे आपके जो है वो करता है, असर करता है। यानी आज से अगर सब चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश हो, तो दूसरों की खुशी में खुश हो जाइए, दूसरों की तकलीफ में आप खुश ना हो, दूसरों की तकलीफ में आप उसको हेल्प करें, अपनी तकलीफ समझें, चेहरे पे। एक बहुत अच्छी बात की है तारा साहबा, बहुत अच्छी, गॉड ब्लेस यू। ये बताइए जो इन्होंने बात की है नाही साहिबा ने, और जब एक और सवाल था ये इनका ताहरा साहिबा का भी, एक तो वो ये था कि इंजेक्शन ग्लूटाथायोन का जो इस्तेमाल हो रहा है रंग गोरा करने के वाले से, वो कितना हद तक सेफ है? देखिए सेफ तो है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका जो है वो ग्लूटाथायोन को बेसिकली विटामिन सी के साथ जो है एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। अच्छा, इनफैक्ट ग्लूटाथायोन का कोई इफेक्ट नहीं होता मेलानिन काउंट पे, जो इफेक्ट होता है जो टायरोसिनेज को कम कर रहा होता है वो होता है विटामिन सी। जब विटामिन सी जो है टायरोसिनेज को कंट्रोल कर लेगा, मेलानिन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। अब जो ये ग्लूटाथायोन है, लेकिन बात ये है कि जब मेलानिन कम हो रहा है, तो मेलानिन की दो टाइप्स हैं, एक यू मेलानिन और एक फ्यू मेलानिन, और मेलानिन सिर्फ हमारी स्किन में नहीं है, वो हमारे बालों को भी कलरेशन दे रहा है, हमारे आयरिस को भी दे रहा है, रेटिना को भी दे रहा है, सब बहुत सारी चीज़ों को कलरेशन दे रहा है, ये चार बेसिक चीज़ों को तो दे रहा है। अब ये अभी तक के प्रूवन बात नहीं है कि जो मेलानिन काउंट स्किन से कम होगा वो हेयर से होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली इसका यूज़ बढ़ गया है, साइड इफेक्ट में अब सेफ है या नहीं है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इंडिकेशन बस वाइटनिंग है, वाइटनिंग है बस, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा। तो अब वो जब आप वाइटनिंग की, तो स्किन वाइटनिंग नहीं होगी सिर्फ, आपकी हेयर वाइटनिंग भी होगी, बाल भी सफेद हो जाएंगे, रेटिना भी सफेद हो जाएंगे, बिल्कुल रेटिना भी, आपकी आंखें भी जो है ना, इसकी ये जो आयरिस है ये भी आपका कलर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो फरहत साहिबा का एस्पेक्ट था, जो उनका सवाल है, जो बोटॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है, फेस लिफ्टिंग, एंटी एजिंग, जो जितने प्रोसीजर्स हो रहे हैं, फिर हमारी आपको पता है मॉर्निंग शोज की जो खवातीन है वो भी करवा लेती हैं, किसी ने कुछ बनना होता है, किसी ने कुछ बनना होता है। तो इसके हैंड से करवाए जाए तो नो साइड इफेक्ट, बट बोटॉक्स हैज सम साइड इफेक्ट, उसमें क्योंकि नर्व पैरालिसिस की जा रही है मसल की, अगर आपकी ये फ्राउनिंग हो रही है यहाँ पे, आपके ये पड़ रही है लाइंस, तो इसको जो है वो कम किया जा रहा है, वो आप नर्व के उसमें नर्व ब्लॉक की जा रही है उस मसल की, तो आप जब यूँ करेंगे तो वो फ्राउनिंग नहीं होगी, बेसिकली दिस इज एंटी एजिंग, ये है इफेक्ट। तो अब वो जो है क्योंकि नर्व ब्लॉक की जा रही है, अगर गलत इंजेक्शन लग गया तो डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है? वहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा, नर्व पैरालिसिस, अगर यहाँ पे नहीं लगाया, कहीं और लगा दिया, खुदा ना खास्ता यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो नर्व ग्रुपिंग ऑफ आई हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आईब्रो लिफ्टिंग के लिए लगाया जाता है, तो एक आंख वरी रह गई, नीचे रह गई, ग्रुपिंग हो गई ना, ग्रुपिंग हो गई, ग्रुपिंग ऑफ आई हो गई, ठीक है। तो ये कि ख्याल रखना पड़ता है, बहुत स्किल्ड हैंड अगर है तो फिर नो साइड इफेक्ट हो, लेकिन बोटॉक्स ओनली वर्क्स फॉर 6 मंथ्स एंड डर्मल फिलर्स ओनली वर्क्स फॉर 2 ईयर्स, That's it. Okay, उसका फिर दोबारा परमानेंट नहीं है ये, परमानेंट नहीं है। नाज़रीन, बात हो रही है रंग को कैसे गोरा करें, स्किन को कैसे हेल्दी रखें, कुछ हमारे लाइफस्टाइल में, कुछ हमारी तर्ज ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी करें, नींद बहुत ज़रूरी है, ग़िज़ा अच्छी रखें, सेहतमंद ग़िज़ा रखें, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और दूसरी बात लाइक ये है कि बाकी और भी बातें हैं कि अब जो धूप में एक्सपोजर है खुसूसन बच्चों का या ख़वातीन का, जैसे कि फरहत साहिबा ने फरमाया कि उनको जाना पड़ता था, बहुत सी ख़वातीन हैं, मर्दों को भी डेली जाना पड़ता है, तो गर्मियों में कैसे स्किन को प्रोटेक्ट करें, मज़ीद बातें करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।